ओम शांति। परमात्मा पिता आज हम बच्चों को विशेष वरदान दे रहे हैं। बच्चे, सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लौलीन आत्मा भव, याद में रहते हो लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि ये अनुभवों के सागर में खोई हुई लौलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की भासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं ये अनुभव हो। नॉलेज का प्रभाव है लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभव में डूबे हुए रहो, याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। परमात्मा हम सभी बच्चों को बहुत सुंदर रेस सिखा रहे हैं। हम सब बच्चे सेवा तो कर रहे हैं और सेवा में हमें सफलताएं भी प्राप्त हो रही हैं, दुआएं भी मिल रही हैं, लेकिन परमात्मा चाहते हैं सेवा करते करते कई आत्माएं जो अंदर अंदर असंतुष्ट हो जाती हैं उनको संतुष्ट करने की सहज विधि है कि हम सब याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करें, उसकी रेस करें। सेवा करते हुए भी योग युक्त स्थिति बनी रहे, उसके लिए परमात्मा हम सबको यही वरदान दे रहे हैं, ये आत्माएं सदा लौलीन स्थिति में रहो। लौलीन कहते हैं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, लीन माना समा नहीं जाती, उसके प्यार में खो जाती है। तो हम सब जो योग का अभ्यास कर रहे हैं, हम सबको योगी तु आत्मा ऐसे पक्के राजयोगी बनना है जो कहीं भी बुद्धि की हलचल ना हो, एक की लगन में आत्मा मग्न हो जाए, एक के प्यार में समा जाए। तो इस रेस को आगे करें। दूसरी रेस तो हम कर रहे हैं, सेवाओं में हम रेस कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा चाहते हैं मेरे बच्चे याद की यात्रा की रेस करें और उस रेस के लिए लौलीन स्थिति में रहें। ओम शांति। तेरी